प्रचार से मोहब्बत है। तो गौर करने से पता चलता है कि कुछ रिवायतों के मजामिन याद आ रहे हैं कि अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है तो फरिश्तों से फरमाता है, जिसको खुलासा करो फरिश्तों से फरमाता है मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, फिर उस बंदे की मोहब्बत को जमीन पर उतारा जाता है, फिर अल्लाह के बंदे उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। तो जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है ना, हम तो जमीन पर रहने वाले लोग हैं ना, हम जमीन पर रहने वाले लोग हैं, हमें दादा साहब से मोहब्बत है या नहीं? बेशक हमें हर सहाबी से मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हर नबी से मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हर वली से मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोहब्बत जो हमें मिली, ये मोहब्बत जो अता हुई, जिस मोहब्बत पर हम कहते हैं कि मुझे मोहब्बत है, तो अल्लाह तबारक व ताला जिससे मोहब्बत करता है ना, फर्श पर रहने वाले उसकी मोहब्बत के बाद में कायल होते हैं, पहले अर्श पर रहने वाले कायल हो जाते हैं। उसकी मोहब्बत का डंका फर्श पर बाद में बजता है, पहले अर्श पर उसकी मोहब्बत का डंका बजता है। तो हम जो कह रहे हैं कि हमें अत्तार से मोहब्बत है, औलिया कराम से मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत हमारे दिलों में किसने डाली? हमारा उसने जन है कि हमारे दिल में ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाली, अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे दिलों में डालता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जो कहें कि अत्तार से मोहब्बत है, तो गोया के तहदी से नेमत है, ये गोया तहदी से नेमत है कि अल्लाह ताला की नेमत है कि हमें अत्तार से मोहब्बत है। हमको अत्तार से मोहब्बत है, हमको अत्तार से मोहब्बत है, हमको अत्तार से मोहब्बत है, हमको अत्तार से मोहब्बत है। क्या शेर है बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला को जब सरकार से हो गई, सल्लल्लाहु ताला कितना सताया गया बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला को, लेकिन जब बिलाल हबशी रजी अल्लाह को अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कई आलम देखिए, मुशक्कत में बर्दाश्त करते चले जा रहे और लज्जतें पाते चले जा रहे। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला को सरकार से मोहब्बत, ये मोहब्बत बहुत कुछ करवाती है मेरे इस्लाम भाइयों। असल अगर हम थोड़ी सी चेन में जाए ना, तो ये मोहब्बत ही है, ये कायनात की तखलीक के पीछे भी मोहब्बत है। हुब 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 है, चाहना अल्लाह ताला, हदीस कुदसी का खुलासा है कि मैं छुपा हुआ कंज था, तो फरमाता मैं छुपा हुआ कंज था, मैंने हुब की, हदीस पाक में लगता हुब, मैंने हुब की कि मुझे लोग जाने, मैंने कायनात की तखलीक की अल्लाह ताला ने, अपने नूर से कहा जाता है कि नूर को बनाया। ये सारे मतलब मजामी है, मैं खुलासे अर्ज कर रहा हूं। तो ये मोहब्बत है, जितनी मोहब्बत ज्यादा होगी ना, इतनी इताअत ज्यादा होगी, इतना मजा भी दे पाता है। देखिए जिनको मस्जिद से मोहब्बत होती है, जिनको लाज की बाहर, वो एक ही आवाज देते हैं, तुम घर को ना खींचो, नहीं जाता नहीं जाता, मैं छोड़कर मस्जिद नहीं जाता नहीं जाता, है ना। जिसको मोहब्बत होती है ना, अब जिसको मोहब्बत दोस्तों से, एतकाफ में भी वो मोहब्बत उन्हें बाहर चौपाल से बाज नहीं रखने देती, ठीक है, क्योंकि उनको उनके दोस्तों से मोहब्बत है। और एक तादाद है यहां जिसको पहली सबसे मोहब्बत है, वक्त एक तादाद है आप में से इनको पहली सबसे मोहब्बत है, इनको देखते हैं कि ये जब देखो पहली सबसे नजर आते हैं। एक तादाद है जिसे कुरान पाक की तिलावत से बहुत मोहब्बत है, जिनको मजा आता है मैं कुरान पढ़ता था। एक तादाद है जिन्हें कई ऐसी चीजें मोहब्बत होती है, मोहब्बत आपको उस तरफ लेके जाएगी, है ना। अब ये मौकूफ है कि हमें मोहब्बत आपकी डायरेक्शन क्या है, हमारी मोहब्बत की डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मुख्तलिफ किस्म की मोहब्बतें होती है, आपको सब पता है, तो आज उस तरफ चला जाता है, फिर उसको कुछ चीज सुझा देता, और जो इस तरफ आ जाए, सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, सुभान अल्लाह। हजरत उबैद से करी रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। आज वो मोहब्बतों के वाकियात को पढ़े, मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत ही मोहब्बत है।
हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उम्मत से कितनी मोहब्बत है, हैं? पढ़ते हैं तो आंख से आंसू बह जाते हैं, इतनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से मोहब्बत की। मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत, और दावत इस्लामी इस मोहब्बत के पैगाम को आम कर रही है। और दावत इस्लामी क्या है? अमीर अहले सुन्नत, आपने अपने चंद वफाका के साथ मिलकर इस कारवां को लेकर आप आगे बढ़े, और बढ़ते 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 आज आपके सामने। तो अमीर अहले सुन्नत ने क्या किया हमसे? मोहब्बत। हमसे क्या किए? मोहब्बत। आका की उम्मत से क्या की? मोहब्बत। आका से, आका की उम्मत से मोहब्बत ही तो है अमीर अहले सुन्नत को, कि जो अमीर अहले सुन्नतों को बसों में धक्का दिलाती थी, बसों में सफर करवाती थी, भूखे प्यासे होते थे लेकिन सफर पर रहते थे, इबादत से मोहब्बत थी। उस वक्त भी नफली रोजे नहीं छोड़ते थे, कतले से मोहब्बत थी, उसको भी तकवा परहेजगारी हाथ से नहीं जाने देते थे, कटाई से मोहब्बत थी, उस वक्त भी फोम के गदेले पे नहीं सोते थे, सुन्नतों से मोहब्बत उस वक्त भी, और अब तक मिट्टी के बर्तन में ही खाना खा रहे हैं, मोहब्बत करवा रही है। क्या चीज अमीर सुन्नत चटाई पर कौन सी चीज सुलवा रही है? वो कौन सी चीज अमीर सुन्नत को इस बात पर आमादा कर रही है कि चटाई पर सोना है? क्या है ना, क्या चीज है वो मोहब्बत? वो क्या चीज अमीर सुन्नत को की नजरों को मतलब वो ढूंढवाती है कि जब मिट्टी की प्लेट सामने नहीं होती, ढूंढते कारे वो क्या चीज है? मोहब्बत है। पानी का हम तो वो भी पी ले, पानी पी लेते हैं, अमीर सुन्नत आखिर मिट्टी के कुंसे में पानी क्यों पीते हैं? आखिर मिट्टी के बर्तन तो मोहब्बत मोहब्बत है ना, बात समझ रहे? सफाई सुथराई खुशबू इन सबके पीछे क्या है? मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। तो ये खुद सलाबा मोहब्बत है अमीर सुन्नत कि इनको मोहब्बत है, इमाम इश्क को मोहब्बत और आला हजरत है, ये भी मोहब्बत है। ये अमीर सुन्नत इतना आला हजरत का जाम पिलाते हैं, ये आला हजरत को मोहब्बत ही तो है कि जितनी आला हजरत अमीर सुन्नत को मोहब्बत अब है उतना हमें जाम भी पिलाते चले जा रहे हैं। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत कंजूल ईमान से मोहब्बत ही तो है, नमाजों से मोहब्बत तो है, मुतकीफीन से मोहब्बत तो है, इत्तेकाफ से मोहब्बत तो है, रमजान से मोहब्बत तो है, दावत इस्लामी से मोहब्बत तो है, मंदी लिबास से मोहब्बत तो है, विश्वास से मोहब्बत तो है। अरे जहां देखो मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत ही के जलवे हैं। तो हमें भी अमीर सुन्नत से क्या है? जुम के बोलो क्या है? तार से मोहब्बत है, सोचता हूं मोहब्बत क्यों ना आती है। सारे लोग मोहब्बत करते हैं, क्या है इसका? क्या है ये? दो एक लॉजिकल इन्वायरमेंट है यहां, मैं किसी से बात कर तो कहता है मौलाना साहब लॉजिक बताइए, ठीक है आपकी किताब की बात सही है, कुछ लॉजिकल बात की। जब हम इस्लामाबाद से बाबुल मदीना हाजरी हो रही थी तो एक ऐसा ही पढ़ा लिखा आदमी मिल गया, उसने कुछ बातें की, हम कुछ किताबों की बातें बताई तो मौलाना साहब को लॉजिकल बात बता रहे। भाई क्या लॉजिकल बात बताऊं आपको? लॉजिक क्या होती है? क्या लॉजिकल बात बता? अब हर अब यार मतलब मैं आपको माशाल्लाह बता रहा हूं ना, टीवी वाला बोलता है लॉजिक की बात करो, कोई जैसे कि किसी को बोलोगे भी इस चीज ये करोगे तो यूं हो जाएगा, ये करोगे तो यूं हो जाएगा, इसके ये अपन साइंटिफिक रीजन बताइए, साइंटिफिक रीजन। अब साइंस का लोग पता नहीं किस दुनिया से निकल आया, साइंटिफिक रीजन बताइए। अब ये कहने का मकसद ये है कि ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है कि लोग लॉजिक मानते हैं, है ना? ये मानते हैं आप इसको कि मतलब ये आंख बंद करके खाली खाली किसी की बात मानने वाले ये लोग कम रह गए, मानते हैं इसको। इससे किसका इस्तीफा है कि यहां भाई ऐसा माशरा क्रिएट है, ठीक है ना? आपका इत्तेफाक अब ऐसा माशरा। अब आइए यहां, ये नौजवान बिलखसूस नौजवान जो आम तौर पर यूं माने नहीं किसी की बात, आखिर ऐसा क्या है? अत्ता है क्या है भाई?
क्या लॉजिक देख लिया आपने भाई, क्या लिख लिया आपने? आप अमीर है अहले सुन्नत को, एक समझिए, आप अमीर है अहले सुन्नत को, अगर एक नॉर्मली पर्सनैलिटी में देखें ना, नॉर्मली आदमी देखें, तब भी अमीर अहले सुन्नत मुख्तलिफ मिलेंगे आपको। जी जो करीब लेते हैं उनसे पूछिए, तो करीब लेते उनसे पूछिए कि नॉर्मली तौर पर अमीर अहले सुन्नत अगर को देखे, आम आदमी आ जाए अगर वो अमीर अहले सुन्नत को देखे तो क्या देखेगा? आप हमें चले अकीदती नजर से देखेंगे, ठीक है ना, आप उन्हें अकीदती नजर से देखेंगे। उस पादरी के बारे में क्या कहेंगे जो ख्वाब में किसी विशारत को पाकर अमीर अहले सुन्नत के पास आकर मुसलमान हो गया,